खुले आसमान में उड़ते परिंदों की चहचहाट हर किसी को सुकून देती है। कोयल की प्यारी कूक, मोर का मनमोहक नृत्य, बाज की ऊंची उड़ान और तोते को प्यार से बुलाना, मिट्ठू चूरी खानी है। लेकिन ये सब आज अतीत की बातें हो गई। मनुष्य अपने जीने की लालसा में प्रकृति का हर तरीके से दोहन करता जा रहा है और लगातार बढ़ते हुए तापमान के कारण इन परिंदों की उड़ान धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहां तक कि कुछ पक्षियों की प्रजातियां तो पूर्णतः विलुप्त ही हो चुकी है। प्रकृति के इन सुंदर मनमोहक पक्षियों को बचाने हेतु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने एक पक्षियोद्धार मुहिम चलाई। अपने वेलफेयर कार्यों के लिए विश्वविख्यात शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस मुहिम के तहत अपने घरों की छतों, सार्वजनिक पार्क व पक्षियों की निर्धारित जगहों पर नियमित रूप से दाना व पानी का इंतजाम करना शुरू किया। उनके इस प्रयास ने इन परिंदों की बेजान उड़ान में एक नई उमंग भर। साथ संगत, कैसे छतों पे दाने डालती है, पानी रखते हैं आप कि पक्षी आए, चोगा चुन जाएं, पानी पी लें। वाह, पता नहीं कब से प्यासे पक्षी आके पानी पिएंगे, मई जून के महीने में तो खास करके। दाना नहीं मिलता, सब सूख जाता है और आप उन्हें दाने डालते हैं। पता नहीं वो कौन सी दुआएं दे जाएं और पता नहीं कौन सी दुआ का भगवान जी सुन लें। ये है, अगर आपने दान करना है तो इस तरह का किया करो। गुरुजी के इस आह्वान से परिवार के हर सदस्य ने परिंदों की संभाल को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इस मुहिम से आज लाखों परिंदे दाना व पानी की तलाश से बेफिक्र होकर आसमान में उड़ारी मार अपनी मनमोहक छटा बिखेर रहे हैं। पक्षी उद्धार हो हर आंगन में, मिलकर सब ये ठाने, रख दो भरकर पानी छत पर और मुट्ठी भर दाने। आइए हम सब मिलकर इन बेजुबानों की चोंच में दाना व पानी देकर इनके दिलों से निकलने वाली दुआओं के भागीदार बने और प्रकृति में इन सुंदर पक्षियों की मधुर चहचहाट की मौजूदगी को बरकरार रख अतीत को वर्तमान बनाने में अपना सहयोग दें।